सो गाइस, अगर आप लोग भी मेरी तरह कॉफी के दीवाने हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहां पे एग्रो कंपनी की तरफ से रीजेंसी मॉडल कॉफी मेकर का। और भाई, कॉफी मेकर देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो अगर आपके घर का इंटीरियर रखा हुआ है आपने वाइट, तो भाई ये कॉफी मशीन तो उसके साथ जाने वाली एकदम ब्राइट। सो कैसा है प्रोडक्ट, है क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं और क्या क्या फीचर्स हमें इस मशीन के अंदर मिलते हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ओके गाइस, मशीन की अगर हम बात करें तो आपको फ्रंट पे आपको तीन बटन्स मिल जाते हैं, जिसमें आप सिंगल शॉट, डबल शॉट या आप मैन्युअली अगर पूरा कप भरना चाहते हैं तो आप यहां से निकाल सकते हैं। सो बेसिकली इसका फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो एक्सप्रेसो के अंदर सिंगल शॉट यूज़ करना चाहते हैं, या आप सपोज कैपेचिनो बना रहे हैं या लाते बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप सिंगल शॉट या डबल शॉट यूज़ करते हैं आपकी ब्लैक कॉफ़ी का, तो वो आप पर्टिकुलर यहां से निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप फुल कप ऑफ ब्लैक कॉफी चाहते हैं तो आप मैनुअल का जो बटन है उसका इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं। इस तरफ हमें यहां पे एक जो नॉब है वो देखने को मिल जाती है, जिससे आप अपनी जो एक्सप्रेसो है या जो आप स्टीमिंग है वो आप यहां पे कर सकते हैं। एंड जब भी आप इसको एक्सप्रेसो निकालेंगे तो आपके यहाँ पे इस पर ब्लू लाइट जलेगी, एंड जब भी आप इसको स्टीमिंग पे रखेंगे तो आपकी जो लाइट है वो चेंज होके हो जाएगी वाइट। पीछे की तरफ हमें यहाँ पे वाटर टैंक मिल जाता है, एंड उसमें पूरा बता रखा है कि आपको कितने मैक्सिमम लेवल तक जो पानी है उसको यहाँ पे भरना है। एंड इट्स क्वाइट ईजी, बहुत ही ईजी है, कुछ इस तरीके से आपने इसको फ्लिप करना है एंड जो पानी है उसको आप यहाँ पे भर देंगे। एंड एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि पीछे इसके यहाँ पे एक सील दी हुई है ऑरेंज कलर की, इसको निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फर्स्ट यूज से पहले, वरना आपका जो पानी है वो मशीन इनटेक नहीं करेगी। सो साथ में हमें एक यहाँ पे फनल मिल जाता है, एक हमें यहाँ पे मेजरिंग स्पून जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड दो अलग अलग तरीके के स्टील मेश जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे सपोज आप एक कप कॉफी निकालना चाहते हैं तो आप जो छोटा वाला स्टील मेश है उसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप दो कप कॉफी निकालना चाहते हैं तो आप बड़ा वाला जो स्टील मेश है उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो कॉफी बनाने के लिए हम मेजरिंग स्पून से पहले अपना जो कॉफी है उसको मेजरिंग स्पून से ले लेंगे, एंड जो स्टील मेश है उसमें हम पोर कर देंगे, एंड देन जो हमारे को मेजरिंग स्पून के पीछे फ्लैट सरफेस दिया हुआ है उससे हम यहाँ पे कॉफी को टैप टैप कर देंगे, ताकि हमारी जो कॉफी है वो बिल्कुल एकदम फ्लैट बेड की तरह यहाँ पे हो जाए। एंड उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फनल है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज जो है मशीन में रोटेट करके फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है पावर ऑन ऑफ का, तो साइड पे इसका बटन दे रखा है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, सो आप मशीन को कर लेंगे ऑन। एंड गाइस, आप फ्रंट पे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा जो फ्रंट की लाइट्स है वो यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो गई है। ब्लिंक होने का मतलब ये है कि आपकी जो कॉफी मशीन है वो रेडी हो रही है, वो गर्म हो रही है, एंड जैसे ही वो लाइट हो जाती है स्टॉप, दैट मीन्स आपकी जो कॉफी मशीन है वो पूरी रेडी हो गई है और अब आप जो है इससे कॉफी का मजा जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। सो उसके बाद आप जो साइड वाला नॉब है उसको आप एक्सप्रेसो की तरफ रोटेट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन फ्रंट पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इसमें हमें सिंगल शॉट, डबल शॉट और मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर आप सिंगल शॉट एक्सप्रेसो लेना चाहते हैं देन आप सिंगल शॉट का जो बटन है उसको प्रेस कर देंगे, अगर आप डबल शॉट एक्सप्रेसो जो है उसको लेना चाहते हैं देन आप डबल शॉट का जो बटन है उसको यहाँ पे प्रेस कर देंगे, और अगर आप फुल कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी जो है उसका मज़ा लेना चाहते हैं देन आप मैनुअल जो है उसको यहाँ पे प्रेस करके पूरा कप जैसे ही भर जाता है देन आप मैनुअल का जो बटन है उसको वापस प्रेस कर देंगे और आपकी जो कॉफ़ी है वो यहाँ पे निकलनी हो जाएगी बंद। सो गाइज, एक्सप्रेसो हो गई हमारी पूरी की पूरी तैयार और अपने टेस्ट अनुसार तैयार हुई है। तो अगर आपको सिंगल कप चाहिए, डबल कप चाहिए, सिंगल शॉट चाहिए, डबल शॉट चाहिए, तो वो सारे फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे इस मशीन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आप एक्सप्रेसो के दीवाने हैं तो आपको पता होगा कि एटलीस्ट मशीन के अंदर 15 बार ऑफ ब्रूइंग प्रेशर जो है वो होना चाहिए, ताकि जब आप कॉफी को ब्रू करें तो आपको 9 से 10 के बीच का जो प्रेशर है वो मिल सके, एंड उसकी वजह से आपको जो प्रॉपर क्रेमा है वो यहाँ पे मिल जाता है। सो क्रेमा, जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली जो ऊपर फोम होती है, जो फ्रॉथिंग होती है, उसको आप क्रेमा कहते हैं, एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि परफेक्ट क्रेमा मीन्स आपको एक तो सबसे पहले नीचे जो कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी है, वो नज़र नहीं आनी चाहिए, जो आपका क्रेमा है वो एकदम डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, वो साफ बता देता है कि आपकी कॉफ़ी जो है वो फिर अच्छी नहीं बनी है। तो ये सारी चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है जब भी आप कॉफ़ी मशीन परचेज करें, एंड ये सारे फीचर्स आपको तभी मिल पाते हैं जब आपको एटलीस्ट 15 बार्स
ऑफ ब्रूइंग प्रेशर जो है वो मशीन के अंदर मिलता है, और यहाँ पे इस मशीन के अंदर हमें ऑलमोस्ट 20 बार्स ऑफ ब्रूइंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल जाता है। सो बढ़िया कॉफी जो है आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हमें मिल गई है। तो गाइस अपनी एक्सप्रेसो तो हो गई तैयार, अब बात आ जाती है भाई कि हमें इसमें कैपेचिनो या लाते कॉफ़ी जो है उसको हम कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। सो बेसिकली उसके लिए हमें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, रोटेटिंग डायल है जो कि आपको स्टीमर पे लेके जाना पड़ेगा। एंड अच्छी लाते के लिए आप जैसे नॉर्मल मिल्क या कोल्ड मिल्क का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लाते जाते हैं तो उसमें मिल्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अगर आप कैपेचिनो चाहते हैं तो उसमें आपका जो मिल्क है वो थोड़ा कम होता है। एंड उसको आप यहाँ पे जो स्टीमिंग पाइप है उसके नीचे रख देते हैं, एंड जो आपका रोटेटिंग डायल है उसको आप ले जाएंगे स्टीमर की तरफ, एंड आप देखेंगे नीचे से आपकी जो स्टीम है वो निकलनी शुरू हो गई है और आपका जो दूध है वो प्रॉपरली गर्म होना एंड उबलना शुरू हो गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका फ़नल है उसको आपने क्लीन करना है, कॉफ़ी को आपने अंदर नहीं छोड़ना है, क्योंकि कॉफ़ी अंदर अगर पड़ी रह जाती है तो वो आपके जो मेश है उसको कवर कर देगी, उसको ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से फिर आपकी कॉफ़ी मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हर बारी जब भी आप कॉफ़ी बनाते हैं तो अपना जो ब्लैक कॉफ़ी का रेसिड्यू रह गया उसको फटाफट से क्लीन कर ले, उसको साफ़ कर ले, ताकि आपकी कॉफ़ी मशीन जो है वो एकदम लंबी चल सके। ओके गाइस, सो अपनी यहाँ पे एक्सप्रेसो और लाते जो है वो रेडी हो गई, और आप देखेंगे क्या फोमी जो है कॉफ़ी यहाँ पे बनी है। और अगर मैं यहाँ पे टेस्ट की बात करूँ, ये तो भाई स्वर्ग है, और ये वाला, ये तो भाई जन्नत है। ब्लैक कॉफ़ी के अगर आप दीवाने हो तो भाई ये जन्नत है, अगर आपको दूध वाली कॉफ़ी पसंद है तो भाई ये तो पूरा का पूरा स्वर्ग है। तो आपने देखा कितने मिनट्स के अंदर, अगर आपने देखा ऑलमोस्ट 7-8 मिनट की वीडियो यहाँ तक हुई है, एंड 7-8 मिनट में हमारी जो दोनों कॉफ़ी हैं वो रेडी हो गई। सो अगर आप लोग भी ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप ये जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसे ही मज़ेदार से कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।